हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल अजित्य मेरे चैनल टेक्निकल कॉबलर में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सोल के बारे में। जैसा कि टेबल पे आपके सामने सोल रखे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के सोल है, तो चलते हैं हम सबसे पहले इसकी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सोल जो हमारा पीवीसी सोल होता है, पीवीसी सोल बेसिकली इसका जो नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको शॉर्ट में हम पीवीसी सोल बोलते हैं। पीवीसी सोल कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट इसकी सबसे कम आती है, क्योंकि ये प्योर प्लास्टिक से बने होते हैं और इसका मटेरियल काफ़ी हल्का होता है, इसलिए इसकी कॉस्ट कम आती है। वेट की मैं बात करूँ तो वेट दूसरे सोल के मुकाबले इसका वेट सबसे ज़्यादा आता है। वेट अगर हम इसको हाथ में लेते हैं तो वेट आपको फील होगा इसका, इसका वेट ज़्यादा ही होता है। दूसरा, सर्विस की मैं बात करूँ तो सर्विस इस सोल की बहुत कम आती है दूसरे सोल के मुकाबले। अगर इसको हम कंपेयर करें तो इसकी सर्विस हमको कम ही मिलेगी। सोल क्योंकि हार्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, जब इसको प्रेस करते हैं तो इसकी हार्डनेस हमें फील होती है। हार्ड होने की वजह से इसमें क्रैक होने का चांस रहता है, इसमें क्रैक होने का डर हमेशा बना हुआ रहता है। और लास्ट, इसको सस्ते जूतों में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, फॉर्मल शूज़ या फिर और दूसरे शूज़ जो होते हैं उसमें, अगर सस्ती रेंज के जूते हैं तो हो सकता है उसमें चांसेस हो कि पीवीसी सोल यूज़ करा हो। तो फ्रेंड्स, इस सोल को मैं 5 में से 1 स्टार देना चाहूँगा। दूसरा, हम बढ़ते हैं आगे। ये सोल पीवीसी सोल का अपडेटेड वर्जन है, इसको हम मान सकते हैं पीवीसी सोल का अपग्रेड वर्जन है। ये सोल होते हैं एयरमिक्स सोल। एयरमिक्स सोल जैसा कि इससे अपडेट किया हुआ है, तो इसमें जो आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जब हम इसको इस तरीके से अगर इसको मूव भी करते हैं थोड़ा, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता चलती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है पूरा। इसको स्क्वीज हम कर सकते हैं पूरा इस तरीके से, ये देखिए। तो सोल काफ़ी अच्छी ग्रेड के सोल हैं। कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो पीवीसी सोल से इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है ऑब्वियसली। और दूसरा, वेट की मैं बात करूँ तो थोड़ा सिमिलर ही होता है वेट इसका। पीवीसी सोल और एयरमिक सोल का वेट सिमिलर, लगभग सिमिलर होता है, ज़्यादा इसमें अंतर नहीं आता। पर उससे सर्विस इसकी बहुत अच्छी आती है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी आती है। सर्विसेज उसके मुकाबले 4-5 गुना सर्विसेज की एयरमिक सोल की आपको मिलेगी, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी तो आप देख ही सकते हैं, फ्लेक्सिबल काफ़ी अच्छा सोल है ये। फॉर्मल शूज़ में अगर ये सोल यूज़ हुआ है तो आपका जो शूज़ है वो बहुत चलेगा और अच्छी सर्विस आपको देगा। तो फ्रेंड्स, इस सोल को 5 में से मैं 2 मार्क्स जरूर दूंगा, 5 में से 2 स्टार जरूर दूंगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। ये हमारा टीपीआर सोल होता है। टीपीआर सोल का मीनिंग जो होता है थर्मोप्लास्टिक रबर, है टीपीआर को हम जो है शॉर्ट में थर्मोप्लास्टिक रबर, इसका जो टीपीआर सोल, टीपीआर शॉर्ट फॉर्म है। इसकी कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, कॉस्ट इसकी दोनों सोल के मुकाबले ऑब्वियसली ज़्यादा आती है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। दूसरा, इसमें रबर मिक्स्ड है और प्लास्टिक मिक्स्ड है, तो इसकी सॉफ्टनेस काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। जब आप इसको नेल से, नाखून से इसको जब आप प्रेस करेंगे तो इसमें आपको सॉफ्टनेस इसकी फील होगी। दूसरा, वेट की मैं बात करूँ तो वेट इक्विवेलेंट है, तीनों का वेट वेट आपको इक्विवेलेंट ही मिलेगा, क्योंकि इसमें हार्डनेस, यद्यपि ये सॉफ्ट होता है लेकिन ये काफ़ी जो है फ्लेक्सिबल और हार्ड भी होता है। थोड़ा सा इसको हार्डनेस, जैसे मैं बताऊँ आपको इस तरीके से जब हम इसको मूव करेंगे तो ये हार्ड आपको मिलेगा टीपीआर सोल। सर्विसेज इसकी बहुत अच्छी मिलती है फ्रेंड्स। ये टीपीआर सोल होते हैं बहुत हाई रेंज के, और इन दोनों सोल के मुकाबले काफ़ी अच्छी रेंज होती है, है ना। कॉस्ट इनकी ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली सर्विसेज भी इसकी अच्छी ही होगी और सर्विसेज आपको अच्छी मिलेगी इस सोल की। सोल, इस सोल के जो जूते बनते हैं वो सोल, वो ऑब्वियसली आपको महंगे मिलेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है, नॉर्मली ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है टीपीआर। तो फ्रेंड्स, इस सोल को 5 में से 3 स्टार में देना चाहूँगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये सोल। ये सोल आपने बहुत सारे लोगों ने कई बार देखे होंगे। पहले जब स्टार्टिंग हमारे जो सभ्यता जब शुरू हुई थी, तब हम जब जो जूते पहनते थे, जो भी फुटवेयर पहनते थे, वो लेदर से बने होते थे, और उस टाइम लेदर का ही चलन था। उसके बाद जब हम अपग्रेड होते गए, जैसे जैसे अपडेट करते गए फुटवेयर्स और सारी जो टेक्नोलॉजीज को, तो उसमें अलग अलग टाइप के सोल आने लगे। ये काफ़ी पुरानी जो सभ्यता का सोल है, और आज भी ये चलन में है, ठीक है ना। दूसरा, इसका अपीयरेंस मैं बताता हूँ इस तरीके से। सोल का कलर इसका जो है, अधिकतर
सोल में 10 कलर ही आपको इस सोल में मिलेगा, अपीयरेंस इसका 10 कलर में होता है। दूसरा कॉस्ट की अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो कॉस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि ये नेचुरल स्किन होती है, नेचुरल जो जानवर होते हैं उसकी स्किन होती है, उससे बना हुआ ये सोल होता है, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, आप कॉस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगी। अगर ये किसी ब्रांड ने इसको जो यूज़ करा हुआ है, डिपेंड करता है, जो कॉस्ट डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग पे, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है। अगर ब्रांड इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और ब्रांड अगर इसको यूज़ कर रहा है तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर नॉर्मली अगर इसको करते हैं तो भी इसका जो प्रोसीजर होता है बनाने का और जूते बनाने का, इसका प्रोसीजर होता है लेदर का, वो काफ़ी लेंथी होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो ऑब्वियसली इसका जो कॉस्ट आपको ज़्यादा मिलेगी। वेट की मैं बात करूँ तो वेट इसका डिपेंड करता है इसके मॉइस्चर पे। अगर ये सूखा है लेदर सोल, अगर ड्राई है, सूख गया है, तो इसका वेट बहुत ज़्यादा लाइट होगा, बहुत हल्का होगा। और अगर इसमें मॉइस्चर है, इसको जब हम यूज़ करते हैं, इसमें मॉइस्चर आता है, जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं इसमें मॉइस्चर बढ़ता जाता है, इसका वेट भी बढ़ता जाएगा। तो ये इसकी खासियत होती है लेदर की, जो स्वेट एब्जॉर्बेंट और वाटर एब्जॉर्बेंट होते हैं, तो जैसे हम इसको यूज़ करते हैं ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते रहते हैं धीरे धीरे, और इसकी हार्डनेस बढ़ती जाती है। तो ये क्वालिटी होती है इसमें, क्योंकि ये नेचुरल है और क्योंकि जो इसका अपीयरेंस है वो अलग है, वाटर एब्जॉर्बेंट है, ओडर फ्री है, ये जो सोल होते हैं ओडर फ्री होते हैं। अगर हम इसको यूज़ करते हैं जूतों में तो ये हमारे पैरों में बदबू जो आती है वो बदबू को कम करते हैं, बहुत ही काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसकी क्वालिटीज है। तो इसको मैं ऑब्वियसली 5 में से 3 स्टार ज़रूर दूंगा। दूसरा, ये स्लिप रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, ये आपने देखा होगा ये पूरा स्मूथ होते हैं यहाँ से लेदर सोल, तो स्लिप रेजिस्टेंट नहीं होते हैं ये। कई बार ही जो स्मूथ सरफेस होते हैं, स्मूथ टाइल्स वगैरह पे ये चल नहीं सकते हैं, क्योंकि स्लिप होते हैं जूते। तो ये इसकी क्वालिटीज़ है। दूसरा, फिर हम नेक्स्ट अपन चलते हैं पी यू सोल बेसिकली पॉली यूरेथाइन, जो हम इसको बोलते हैं पॉली यूरेथाइन सोल होते हैं, ये इस तरीके से देखिए मैं बता देता हूँ आपको, 41 साइज का ये सोल है। अपीयरेंस जैसा कि आप देख रहे हैं, अपीयरेंस काफ़ी स्मूथ आता है। प्यू सोल जो होते हैं वो अच्छे ग्रेड के सोल होते हैं, और नावेडेज मीन्स ये अच्छे जूतों में यूज़ हो रहा है और अच्छी क्वालिटी के सोल होते हैं। अपीयरेंस काफ़ी स्मूथ होता है। कॉस्ट की मैं बात करूँ तो सोल्स के मीन्स मार्केट में सबसे ज़्यादा महंगे सोल अगर आज की तारीख में मिल रहा है तो वो प्यू सोल ही मिल रहा है ना फ्रेंड। तो कॉस्ट इसकी ज़्यादा आती है ना, इससे बने हुए जूते आपको काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, बट इसकी जो सर्विस होती है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इसकी सर्विस होती है 2-3 साल, लगभग ये 2-3 साल तक की इनकी सर्विसेज नॉर्मली होती है। अगर आप डेली इसको पहनते हैं, रेगुलरली इसको अगर आप पहनते हैं, तो 2-3 साल नॉर्मली होता है, मामूली बात है सर्विसेज के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी की मैं बात करूँ तो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं बिल्कुल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, सोल की क्वालिटी भी सब लोग अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो ये जो प्यू सोल है पॉलीयुरेथेन, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रेड के सोल है। वेट की मैं बात करूँ तो वेट इनका काफ़ी कम आता है, कोई से भी सोल आप ले लें फॉर्मल्स में, प्यू सोल का जो वेट होता है वो सबसे कम आता है। अपीयरेंस बहुत अच्छा है, कम्फर्ट बहुत अच्छा देते हैं इसके जो जूते होते हैं, वो कम्फर्ट आपको बहुत देते हैं। अगर आपका स्टैंडिंग का जॉब है, भाई दिन भर आपको स्टैंड करना है, या फिर आपका मार्केटिंग का जॉब है, सबसे बेस्ट सोल आपको ये मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, 5 में से 5 इस सोल के लिए मिलना चाहिए डेफिनेटली। मुझे ये सोल बहुत पसंद है, अच्छी क्वालिटी के सोल है। 5 में से 5 ये सोल आपको डेफिनेटली, मैं 5 में से 5 स्टार इसको। लास्ट हम चलते हैं ये सोल जो आते हैं स्पोर्ट्स में। वेट काफ़ी लाइट आता है, ईवा सोल इनको बोलते हैं, ईवा सोल हम शॉर्ट में इसको ईवा बोलते हैं। ईवा सोल होते हैं, काफ़ी लाइट वेट होते हैं, और आजकल नावेडेज ये सॉफ्ट स्पोर्ट्स शूज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। स्पोर्ट्स शूज़ में आपने देखा होगा इस तरीके से कई बार व्हाइट सोल अधिकतर हमने देखा होगा यूज़ होते हैं, व्हाइट ही सोल यूज़ होते हैं ईवा में। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो फ्लेक्सिबल काफ़ी होते हैं, इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है इनके, शॉक एब्जॉर्बेंट होते हैं ये सोल। जब हम क्योंकि जब रनिंग करते हैं तो हमारे पैरों से शॉक लगता है, हमारे दबाव पड़ता है, तो ये दबाव को वापस बाउंस करते हैं। तो ये जैसे जैसे हम इसको पहन के रनिंग करते हैं, या फिर इसको स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं, जैसे जैसे हम चलते हैं
ये बाउंसी होते हैं तो हमारे पैर को ज्यादा इसको फील नहीं होता है और पैर को ज्यादा आराम देते हैं ये जूते। कंफर्ट के लिए बेसिकली ये जूते बने होते हैं। वेट की बात करूँ तो बहुत लाइट होते हैं, काफी हल्के होते हैं, बिल्कुल इसका वेट आपको पता नहीं चलता। अगर इसके जूते आप इस सोल के एवा सोल के अगर आप जूते आप उठा के देखते हैं, हाथ लगाते हैं, काफी लाइट आपको फील होंगे, आपको पता नहीं होगा कि भाई अभी मैंने पहन के रखा, आपके पैरों में बिल्कुल फील नहीं होगा। हार्डनेस इसमें बिल्कुल भी नहीं होती, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। जैसे आप नेल से अगर इसको थोड़ा सा प्रेस करके देखें हम तो ये काफी सॉफ्ट होते हैं, आपको फील होता है सॉफ्ट होते हैं। दूसरा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, वेट कम होता है। कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट इसकी ज्यादा आती है। स्पोर्ट्स शूज में होते हैं तो स्पोर्ट्स डेफिनेटली अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो 500 600 700 रुपए के जो शूज है इसके अपना ईवा सोल के मिलते हैं। तो इसको भी 5 में से 4 मैं डेफिनेटली स्टार दूंगा, अच्छी क्वालिटी के सोल आते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ सोल है मेरे पास में, इसकी डिटेल जो मैंने आपसे शेयर करी है। इसी तरीके से जब भी आप मार्केट में कुछ खरीदने जाएं या किसी फुटवेयर को आप जो परचेस करना चाहें तो आप उसको आइडेंटिफाई करें कि भाई मेरे पास में जो सोल है, ये मेरे पास में जो जूता है किस क्वालिटी का और कौन से सोल से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको जरूर बेनिफिट कुछ ना कुछ मिलेगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, और अगर कुछ आपके मन में जो क्वेश्चन है या कुछ और आपके दिमाग में चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी लिखें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।